नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे फिर से एक और लकी कुंडली का और जानेंगे इस कुंडली की खास बात और इनके क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए आइए समझते हैं। तो इनकी ये है एक फीमेल और इनकी एज है 31 प्लस, और ये जानना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ आगे कैसे रहने वाली है, हस्बैंड की करियर और इनकम का क्या दिखता है, बच्चों का क्या फ्यूचर दिखता है, और ये खुद भी अपना करियर बनाना चाहती हैं तो करियर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और साथ में फॉरेन में क्या कुछ दिखता है। चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली में। और देखिए 3 नंबर की कुंडली है, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध बैठा है यहाँ पर अपनी उच्च राशि में। ऐसा लगता है कि माता का जीवन में सपोर्ट रहा हो और या फिर जैसे काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे सुख का स्थान बहुत बढ़िया है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपके पास घर, प्रॉपर्टी और लग्जरी, ये बहुत ज़्यादा आती है ऐसे लोगों के पास में, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनका कुछ क्वेश्चन था कि मीडिया कम्युनिकेशन में करियर या कुछ और। मुझे लगता है कि जब बुध इतना स्ट्रांग हो, उच्च राशि में हो, मीडिया कम्युनिकेशन यानी जो आपके बोलने का काम जो होता है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा सूट करता है ये देखिए। या फिर इंसान अकाउंट्स फाइनेंसिंग में जाता है, सीए के जो फील्ड होता है उसमें जाता है। लेकिन जैसे ऑलरेडी जब आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो यहाँ पर ये बुध आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अपनी उच्च राशि में आके। अब ये देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट घर में हम चलते हैं, 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर का स्वामी होता है चंद्रमा, ये बैठे हैं यहाँ पर। तो जैसे कहते हैं कि अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी होना कि जहाँ आप बहुत बोल्ड होते चले गए, बहुत कुछ सीखते चले गए, हिम्मत, साहस, जज्बा बहुत अच्छे से होता है। और साथ में बैठे शुक्र यहाँ पर। शुक्र का जो घर होता है, शुक्र जो होता है ना कि अपने घर से काफ़ी कुछ सीखना, अपने घर से काफ़ी कुछ जानना, पहचानना, ये सब चीज़ें होता है ना, आपको काफ़ी गुण मिलते हैं। तो अपने घर से ही काफ़ी मजबूत, एक अच्छे सुखी परिवार में पैदा होना, वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा सीखना, लग्जीरियस लाइफ जीना। यहाँ पर देखें तो सूर्य बैठे 3रे स्थान में। सूर्य और चंद्रमा तो ऐसे में अमावस्या का जन्म दिखता है। तो ये क्या होता है कि सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, तो सूर्य अपने आप में नेम, फेम, सक्सेस दिलाते हैं। ऐसे लोग खुद अपनी पहचान बना लेते हैं, कुछ इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आप लाइन पकड़ते जाते हैं। अब ये देखिए बुध 4थे घर में, हमने बताया है कि काफ़ी जो है इसी फील्ड से इनको सुख सुविधा ये सब मिलेंगी। अब 5वें घर पर आते हैं। 5वें घर का स्वामी ये देखिए 7 नंबर शुक्र, अगेन शुक्र बैठे हैं यहाँ पर। तो जैसे कह सकते हैं कि आप अपने घर परिवार से बहुत मजबूत हैं, पिता पक्ष से बहुत ज़्यादा मजबूत होना। अब काफ़ी हेल्प मिलना, जैसे ये चीज़ आप कह सकते हो, भाई से हेल्प मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर 6वें घर का स्वामी है मंगल। मंगल बैठे हैं यहाँ पर 10वें भाव में, ये देखिए 10वें भाव में बैठे हैं मंगल। तो क्या होता है, अपने ऐसे लोग क्या होता है, अपने शत्रुओं को हराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। साथ में जिंदगी में ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो आपसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होना। और अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये गुरु की स्वामी, गुरु की उसमें बैठे राशि में प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलता है, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे अब ये देखिए 7वें घर पर आते हैं। 7वें घर में बैठे हैं शनि। शनि जब भी बैठते हैं तो ये पति पत्नी में थोड़ा कलह ज़रूर कराते हैं। ये क्या होता है कि शनि में कोई भी चीज़ ऐसी है जो गलत है वो इनको बर्दाश्त नहीं होती होगी, इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होता होगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे ये चाहती हैं रिश्ते में बॉन्डिंग, ये जैसे होता है रिश्ते में अपनापन, प्यार, वो चीज़ की थोड़ी कमी होती है, कई बार पति पत्नी में इस वजह से खटपट बनती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और देखिए यहाँ पर गुरु जो है, इसका स्वामी गुरु, ये बैठे हैं यहाँ पर। तो पति का या तो दूर दूर रहना, या जैसे होता है कई बार आपका कि एक दूसरे को टाइम कम दे पाना, ये चीज़ कई बार रिफ्लेक्ट करती है, ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन आपस में इनको बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो ये देखें 10 और 11 नंबर, ये शनि का नंबर है दोनों, और शनि जो है यहाँ पर बैठे सुख के स्थान में। तो ये 8ष्टम भाव का स्वामी, जब शनि यहाँ बैठता है तो शादी में जैसे मैंने कहा दिक्कतें दिखती हैं, और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर एकदम नहीं आ रही, छठी गुरु की दृष्टि भी एकदम तेज़ी से नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा इनको हो सकता है शादी में ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ता हो। मंगल भी यहाँ पर बैठा है, बुध यहाँ पर बैठा है, थोड़ा सा क्या होता है चालाकी होशियारी से काम लेना पड़ेगा इनको। यहाँ पर मंगल जो है
मंगल थोड़ा सा जैसा होता है ना, कई बार हाइपर कर देता है, कई बार चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स की ओर ले आना, थोड़ा सा ये चीज़ें कई बार होने लगती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये राहु यहाँ बैठे भाग्य स्थान में, राहु जब भी भाग्य स्थान में बैठते हैं ऐसे हो कि जीवन में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। कई बार क्या होता है, जब मिलता है तो खूब खूब मिलता है, जब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कई बार ऐसी अप्स एंड डाउन्स जीवन में आती हैं राहु के, जिसके राहु यहाँ भाग्य स्थान में बैठता है, तो राहु जब देता है खूब देता है, जब लेता है तो अच्छे से कस के ले लेता है। यहाँ पर देखिए गुरु की राशि, गुरु बैठे हैं यहाँ पर प्रोफेशन के लिए, ये ना घूमना बहुत पड़ता होगा या तो ट्रैवलिंग बहुत, ऐसा प्रोफेशन जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा है, घूमना ज़्यादा है, या फिर आपको घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ता हो। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो पहला ये 11वां भाव है ये है मंगल का, एक राशि है मंगल, मंगल बैठे हैं यहाँ पर, तो प्रोफेशन से अच्छी इनकम भी करा देंगे, परंतु क्या प्रोफेशन में मेहनत बहुत दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए बाहर, ये देखिए ये 2 नंबर शुक्र का, ये देखिए यहाँ से कनेक्टिविटी, तो खर्चे लगे रहना। अब इनका क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री को लेके, नहीं फॉरेन कंट्री का योग इतना स्ट्रांग नहीं दिखता, अपनी कंट्री में ही इनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब देखिए इनके गुरु जो हैं वो लगभग कब यहाँ पर और यहाँ पर इस साल हैं। अब ये देखा जाए प्रोफेशन में 2021 और 22 में ग्रोथ अच्छी दिखती है, लेकिन राहु का जो है, राहु का उपाय इन्हें करना चाहिए, राहु का उपाय इनको वेडनेसडे को दान करें, या मूंग की दाल का जो दान होता है हरी मूंग की दाल का वो दान करें, उससे इनको बेनिफिट मिल सकता है। राहु यहाँ बैठे, गुरु यहाँ पर शनि की राशि में आ गए, तो फल कब मिलेगा, जब तक यहाँ थे तो शनि साथ में था, अब यहाँ गुरु। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 24 के आसपास जाते जाते, बल्कि 23 और 24 में जाके बेटरमेंट, गुरु मंगल जब इकट्ठे मिलेंगे तो बेटरमेंट होगा, काफ़ी बढ़िया योग दिखता, हो सकता है ये अपना कोई काम भी उस समय स्टार्ट करने लगे। तो ये चीज़ें दिखती हैं इनकी कुंडली में, और देखा जाए तो अभी देखिए एक चंद्रमा से अगर काउंट करें 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमंगली भी बनाता है इनको, मंगलवार का दान इनको करना चाहिए, जिससे गृहस्थी में भी थोड़ा सा बेटरमेंट रहे। अब देखा जाए तो 7:30 वगैरह तो नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है कुंडली में। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए शनि का यहाँ बैठना, तो ये क्या होता है कि ऐसी लेडी जब इस तरह का 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठता है, अपने पति को लक देती हैं, ऐसी लेडीज़ अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं, उनके फाइनेंसेस ग्रो करवाती हैं ऐसी लेडीज़। और देखा जाए तो यहाँ पर इनका बच्चों का फ्यूचर था, बच्चों का भी बेटरमेंट, ये देखिए ये शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए भी अगर मैं देखूँ तो बच्चों के लिए भी जैसे करियर प्रॉस्पेक्ट्स या आगे ग्रोथ सक्सेस कर, बच्चों के लिए भी बढ़िया दिखता है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। इनका जो सपोर्ट सिस्टम होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, ये जब जब चौथा भाव काफ़ी स्ट्रांग होता है, ऐसी लेडी अपने घर की बैकबोन होती है, ऐसी लेडीज़ अपने पति को भी संभाल देती है, बच्चों को भी संभाल देती है, वो मतलब कहना चाहिए कि ऐसी लेडी वो इस तरह की होती है। अब थोड़ा सा शनि की दृष्टि की दिक्कत देती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी लेडी इतनी मजबूत होती है कि वो सबको बांधे रहती है, वो अपने अगर देखा जाए तो पापा के घर में भी सबको संभाले रहेगी, पापा को भी बहुत प्यार से सब कुछ उससे कि पापा ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसी सबको मतलब कहना चाहिए कि एक होता है ना कि फॉर्म में लेकर आना, ऐसे अपने बच्चों को भी कि नहीं बच्चे जरा सा ट्रैक पर से हटे तो नहीं, बिल्कुल ध्यान पूरा देना करना सब, इस तरह से ये लेडी, इस तरह की लेडीज़ होती हैं कि वो कि मैं चाहे कुछ भी हो मैं अपने बच्चों को सेट करके ही रहूँगी, मैं ये काम करके ही रहूँगी, इस तरह का इनकी सोच होती है, चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग नहीं होते और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इंसान जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा, चीज ये बड़ा सोचो बड़ा करो और करके दिखाओ, ये इस तरह की कुंडली मुझे दिख रही है। अब चलते हैं इनके नवमांश की ओर, नवमांश में देखा जाए तो देखिए यह शुक्र जो है नीच राशि के अपने बैठे हैं, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ता है। देखिए चंद्रमा वैसे साथ में है, मन को कंट्रोल करके सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं मुझे चाहे, जैसे मैंने कहा ना कि दूसरे अपने बच्चों को सेट करने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए चाहे मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े पर मैं कर लूँगी, लेकिन रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, इस तरह के लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखा जाए तो ये गुरु राहु और शनि ये बैठे हैं, तो
तो ये क्या होता है, थोड़ा सा काम में बाधाएं लेकर आते हैं। इनके जीवन में क्या होता होगा कि ग्रोथ में, सक्सेस में बाधाएं आती होंगी, ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इनको मिलती होगी। इसलिए मैंने इनको मूंग की दाल का दान करने वाला उपाय बताया है, जिससे कि ये थोड़ा राहु का प्रकोप कम हो और गुरु अपना फुल फ्लैश वर्क कर सकें। बुध अपना सही जगह अपने अनएक्सपेक्टेड गेंस देता रहेगा और केतु भी यहाँ अनएक्सपेक्टेड गेंस कराएगा। सूर्य मंगल को अगर हम देखें तो ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, और जगह से बाहर से रिजल्ट्स अच्छे हैं, मंगल अपनी राशि में है तो इनको बाहर से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। खर्चा करने में भी हो सकता है काफ़ी अच्छी हो। अब चलते हैं इनकी, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी मंगल की दशा थी, मंगल की दशा 2022 तक चलेगी इनकी। मंगल की दशा में ये देखिए, यहाँ पर मंगल की दशा और मंगल इनकम के स्थान का भी स्वामी है, ये देखिए ये। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से मंगल चला केतु, यहाँ तक तो ये टाइम पीरियड निकल गया। मंगल और शुक्र, देखिए मंगल और शुक्र मिक्स रिजल्ट्स दे रहे होंगे। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर सूर्य चंद्र इस तरह की जो चल रही है दशा इनकी, तो इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें भारी पड़ रही हैं, चीज़ें थोड़ा सा मेहनत करवाना है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। चंद्र मंगल में, खास तौर से चंद्र मंगल की दशा में रिजल्ट्स इनको बेटरमेंट मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है अभी इस समय मेहनत पड़ रही हो, लेकिन ये चंद्र मंगल की दशा इनको बहुत बढ़िया, ये टाइम पीरियड में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब इनके नेक्स्ट जो दशा आ रही, ये देखिए दशा राहु की दशा है। राहु की दशा अपने आप में ही काफ़ी अच्छे गेंस कराती है। इनका राहु जो है 9th हाउस में बैठा है, तो जो मैंने उपाय बताया वो उपाय करें। जब तक ये दशा शुरू होगी तब इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इनको जैसे इन्होंने कहा फॉरेन कंट्री के लिए, तो फॉरेन कंट्री की जगह इनको हो सकता है कहीं दूर शिफ्ट करना पड़े, कहीं दूर जाने आने का भी मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। और इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि अब एक रोलर कोस्टर आना, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, अप्स एंड डाउन्स बार बार आना जाना, ये सब चीज़ें भी इनके जीवन में इस तरह से चल सकती हैं। तो इसके लिए इनको तैयार रहना होगा। जैसे कहते हैं ना कि बैग पैक करना, बार बार आना जाना, ये ऐसी कुछ चीज़ें जीवन में चलती हैं, परंतु अच्छे बेनिफिट्स भी देती हैं। पर और जो मैंने साथ में उपाय बताया वो ज़रूर करें। अब देखिए चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अष्टक वर्गा चार्ट पर 3 नंबर का लगन था, मिथुन लगन है यहाँ पर। तो ये देखिए 35 मार्क्स है, 35 पॉइंट्स हैं, तो ये अपने आप में ही काफ़ी मजबूत है, जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होते। आगे जैसे जैसे कुंडली में हम बढ़ते हैं, हमें मिलते हैं 33 पॉइंट्स यहाँ पर। तो हमें दिखता है ये, तो ये 10वें घर का स्वामी है। 10वां घर पे 33 पॉइंट्स है, तो 10वां घर प्रोफेशन का होता है, अच्छी ग्रोथ करवा देगा और इनकम भी अच्छी कराएगा। और यहाँ पर देखें इनकी शादीशुदा जीवन में, इन्होंने पूछा था शादीशुदा जीवन में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें घर में 24 नंबर है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकता है, मन मुटाव इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो ये थोड़ा सा इनको खुद ही संभालनी पड़ेंगी। और जो मैंने बताया मंगल का दान करें, उससे भी इन्हें रिलीफ मिलेगा। अब चलते हैं वर्षफल की ओर, देखें इनके वर्ष कुंडली क्या बताती है। अब देखिए यहाँ पर सितंबर 2020, सितंबर का बर्थडे है, तो हम सितंबर अब बस आ ही रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2020 से 2021 तक का समय कैसा रहेगा। अब ये देखिए, और इसमें जो मंथा राशि है वो 9 है, यहाँ पर मंथा राशि यहाँ बैठी है, तो नौवें भाव को काफ़ी इफेक्ट कर, नौवें भाव में काम भी बनेंगे और काफ़ी। तो देखिए 2019, अगर हम 2019 सितंबर से लेकर 2020 सितंबर तक का देखें, तो मंथा राशि यहाँ बैठे होंगे, इनके भाग्य में काफ़ी बदलाव आए होंगे, कुछ चीज़ें निकली भी होंगी, कुछ चीज़ें आई भी होंगी, इन्हें मिली भी होंगी, ऐसा कुछ रहा होगा। अब इस साल की अगर हम बात करें 2020 से लेकर 2021 तक में, तो सातवें घर में मंथा राशि, तो सातवें घर में मुंता राशि, कई बार होता है कि आपको पार्टनरशिप के ऑफर्स आना, कई बार होता है कि आपके अपने घर में थोड़ा सा पार्टनर के साथ दिक्कतें होना, कैश फाइनेंस की दिक्कत भी हो सकती है, साथ में कई बार पार्टनर से तालमेल बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत ये दिखती है, ये मुंता राशि कराती है। अगर देखें गुरु केतु यहाँ पर, ये अननेसेसरी ट्रेवल्स कराना, ये चीज़ें कई बार होता है कि आपको बहुत भाग दौड़ पड़ रही है,
शनि है अपने दुश्मनों से निपटने में काफ़ी हेल्प आउट किया होगा इसने, मंगल है मंगल ने सपोर्ट किया होगा, जैसे होता है ना कि यहाँ पे ये मंगल सपोर्ट कर रहा है भाग्य को, सातवें घर में थोड़ा सा कॉपरेशन का कमी देखने को मिला होगा। यहाँ पे चंद्रमा और राहु मन परेशान, जैसे होता है ना कि मन जो है काफ़ी ज़्यादा मन जैसे होता है कि उथल पुथल आना, मन में तरह तरह के विचार आना, ये सब चीज़ें इनके आगे जीवन में मुझे दिखती है 2020 से लेके 21 वाले टाइम पीरियड में। यहाँ मंथा राशि यहाँ आएगी तो थोड़ा सा इनको समझदारी से जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाना होगा। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया दुश्मनों से को हरा के आगे बढ़ना और काम में ज़्यादा व्यस्त रहना, और ये चीज़ देखिए ये थोड़ा चंद्र राहु ये मन में अनसेटिस्फेक्शन लेकर आ सकता है, हो सकता है कि ये सोचें कि मैं बिजनेस कर लूँ ये कर लूँ, लेकिन ये समय अभी सही नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य है, अच्छी पब्लिसिटी नेम फेम भी दिलाएगा, सूर्य का जो सूर्य का लगन में बैठना अपनी राशि में बैठना ये इनको बहुत बेनिफिट करा सकता है। ये इनको जैसा होता है ना अपने काम से नेम फेम मिलना, लोगों में पहचान बढ़ना, लोग आपको आपकी काम की वजह से जान रहे हैं, और लग्जरियस लाइफ भी दिखाई देती है बुध अपनी राशि में। देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छी फेवरेबल दिख रही हैं कि आपको पिता की तरफ से भी सपोर्ट है, आप अपने स्किल्स से आगे भी बढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके और ज़्यादा डेवलप, आप कुछ ऐसा करो कि आप अपने आपको जैसे कहते हैं ना अपने आपको और डेवलप कर लेना, ऐसे कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं। तो ये समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ 2021 से 2022 की, अब देखिए यहाँ पे 2021 से लेके 2022 तक का समय, तो यहाँ पर मंथा राशि बैठी है ये पांचवें घर में, तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, और जैसे कि बच्चे का कोई अचीवमेंट या बच्चे का की तरफ से कोई भी खुशी इस तरह का, या अगर ये हायर स्टडी की तरफ सोच रही हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी दिखती है। अब यहाँ पर लगन में केतु बैठे हैं, तो देखिए केतु जो होते हैं ना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कराते हैं, इनका ध्यान हो सकता है बिज़नेस करने की तरफ को जाए, बिज़नेस करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो शनि है, शनि थर्ड हाउस में, और मजबूती देना, पराक्रम बढ़ा देना, और हिम्मत साहस बढ़ लेना, इस तरह की चीज़ें दिखाती है। गुरु यहाँ बैठे हैं और सूर्य सामने, तो ये जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में पावर अटेन करना, हर चीज़ में जैसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाना, ये चीज़ें मुझे दिख रही, करियर में भी और बड़ी कोई ग्रोथ दिख रही है। अब ये राहु यहाँ पर बैठे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये फिर मैरिड लाइफ में मुझे डिस्टरबेंस करते हुए दिख रहे हैं, कि जैसा होता है ना कि आपस में तालमेल की कमी, डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब अगर देखा जाए आगे और बढ़ते हैं, मंगल और बुध बैठे हैं, बुध अगेन अपनी उच्च राशि में है, तो इनकम में भी बहुत बेनिफिट्स कराएंगे, बहुत बेनिफिट्स कराते हैं। और ये देखिए शुक्र यहाँ पर यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा भी साथ में, तो ये लाइफ लग्जरियस कराएंगे, मन इनका बहुत खर्चीला हो जाएगा, मन बहुत खर्चे करेंगे ये उस समय, तो इन जाहिर सी बात है जब इनकम अच्छी होगी तो इंसान खर्चा करने की भी सोचेगा, तो इनकम भी बढ़ेगी और खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये इस तरह से मुझे कुंडली में दिखते हैं। ओवरऑल कुंडली अच्छी है, मजबूत कुंडली है, बढ़िया कुंडली है, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें। एक मैंने बुधवार को इनको हरी मूंग की दाल का उपाय बताया, वो करें, दान करें, चाहे कुछ दाने लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा के बहते पानी में फ्लश कर दें, बहते पानी में बहा दें। और एक मैंने इनको बोला है मंगल का दान करें, जिससे मंगल शांत रहे, थोड़ा गृह जीवन में बेटरमेंट हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।